नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कंप्यूटर की तरफ से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप सभी को SBI PO के फॉर्म को लेके बहुत समस्याएं हो रही हैं। सभी कह रहे हैं कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, कभी कोई कह रहा है कि साइन अपलोड नहीं हो रहा है। उसको लेकर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ और हो सकता है ये वीडियो आप में से बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और बहुत से लोग इसके बारे में पहले से जानते हों, तो जो नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरे वीडियो को जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो बना सकूँ आप ज़रूर देखें। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर चुका है, इसीलिए मैं सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन करके और इतनी प्रोसेस तो आपको पता है, मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। अब ये देखिए कि मैंने इधर पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ये यहाँ से मैं नेक्स्ट बढ़ा। अब सबको यहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड करने में समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो का जो साइज है वो 50 KB के अंदर है जो उनने मांगा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ से फ़ोटो में क्लिक किया और ये यहाँ मैंने ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें एक एरर दे रहा है, फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड इमेज फॉर्मेट और इनवैलिड एक्सटेंशन शुड नॉट अलाउड टू अपलोड। तो मैं बता दूं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने में 90% लोगों को, सभी को दिक्कत आ रही है। इसके लिए एक तरीका है, आप जब फ़ोटो सेव करते हैं तो फ़ोटो को जब आप नेम देते हैं तो यहाँ पे जो आपने स्पेस दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने माय फ़ोटो लिखा है, तो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, यहाँ पे आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, जब आप यहाँ पे इस डायरेक्ट लिख रहे हैं उसके बाद जब मैं फ़ोटो को अपलोड करने जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं फ़ोटो बाकायदा अपलोड हो रही है। सेम यही प्रोसेस आपको साइन में करना है। जब आप साइन के लिए भी सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और आगे भी मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कॉल करिए और मैं आपको इसी प्रकार से जानकारी देते रहूँगा। धन्यवाद।